डियर स्टूडेंट आदर्श की इन डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नाइन्थ क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नाइन्थ क्लास की जो साइंस है उस साइंस में लगभग चार पोर्शन आते हैं। कितने पोर्शन आते हैं अभी? चार पोर्शन, चार भाग आता है। पहला अपन भाग बात करते हैं, पहला भाग नाइन्थ क्लास में आता है अपना केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री जिसका नाम अपन कह सकते हैं रसायन विज्ञान कह सकते हैं, जिसका नाम क्या कहते हैं भाई, रसायन विज्ञान होता है। और एक अपना नाइन्थ क्लास में आता है, नाइन्थ क्लास में अपना दूसरा जो पोर्शन आता है सेकंड नंबर भाग, वो अपना आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है भाई? जीव विज्ञान। इसके अलावा जीव विज्ञान होता है, इसके अलावा अपने पास एक पार्ट होता है फिजिक्स, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, भौतिक विज्ञान कहते हैं। नंबर तीन पार्ट की बात करते हैं, तीन नंबर पार्ट आता है अपना फिजिक्स। फिजिक्स जिसे अपन कहते हैं भी, हिंदी में लिख देते हैं, जिसे अपन कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसके अलावा चार नंबर पार्ट अपन बात करते हैं इकोसिस्टम, जिसे अपन कहते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसमें अपन कहते हैं जैव घटक क्या होता है, अजैव घटक क्या होता है, अपन उसको बोल सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भी? पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जैविक और अजैविक घटक, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भी? इको, इसे अपन इको सिस्टम कहते हैं। इको सिस्टम में अपन जैविक अजैविक घटकों के बारे में अपन क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। जैविक और अजैविक घटकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी नॉर्मल बातें थी जिनके बारे में अपन सभी जानते हैं। अब अपन शुरू करते हैं अपना पहला जो पार्ट होता है, उस पार्ट में अपन बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। किसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन? पहला जो पार्ट लगेगा अपना रसायन विज्ञान। रसायन जो विज्ञान होता है, इस रसायन रसायन विज्ञान अपन सीखने की कोशिश करते हैं, कैसे इसमें फॉर्मूले बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो अपने पास आवर्त सारणी अपन थोड़ी सी लेते हैं, जैसे मैंने लिया, सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु की। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं भाई? परमाणु की। परमाणु मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में एटम। मतलब एटम का मतलब क्या होता है कि अविभाजित कण को अपन परमाणु कहते हैं। किसे कहते हैं भी? अविभाजित कण, अविभाजित, अविभाजित कण को परमाणु कहते हैं। अविभाजित कण को अपन क्या कह देते हैं भी? परमाणु कहते हैं। जो अपने पास रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है भी? रासायनिक अभिक्रिया। और उस रासायनिक अभिक्रिया की मूल इकाई भी मानते हैं। क्या मानते हैं भी? मूल इकाई भी इसे मानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या मानते हैं? इसे मूल इकाई। यानी अविभाजित कण को अपन परमाणु कहते हैं और परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहते हैं? मूल इकाई कहते हैं। अब इस परमाणु के बारे में, इस परमाणु के बारे में सबसे पहले आया था महर्षि, देखिए इस परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन आया था? महर्षि। महर्षि कणाद था भाई। कौन आया था भाई? महर्षि कणाद।
इस कणाद के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। किसके ऊपर डिस्कस करते हैं भाई? कणाद के ऊपर। कणाद था जो कि परमाणु के बारे में अपने को जो वैदिक काल था, क्या था भाई? वैदिक काल। कौन सा काल भाई? वैदिक काल में महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था। वैदिक काल मतलब कितने ईसा पूर्व है? 500 ईसा पूर्व की बात है। कितने ईसा पूर्व की बात है भाई? 500 ईसा पूर्व कि अविभाजित कण को अपन परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है? मूल इकाई होती है। इस परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने सबसे पहले, परमाणु के बारे में महर्षि कणाद से पहले और वैज्ञानिक आए थे, लेकिन अपन महर्षि कणाद की बारे में बात करते हैं। महर्षि कणाद ने वैदिक काल में 500 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में बताया था कि उन्होंने क्या बताया था। जो ऋषि मुनि होते हैं वो वन में क्या करते हैं? तप वगैरह करते हैं। तप करने के लिए क्या चाहिए अपने को? लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी की क्या चाहिए भी अपने को? आवश्यकता होती है। तो अपने जो महर्षि कणाद के शिष्य थे, उन शिष्यों को उसने बोला कि आप क्या लेके आओ भी? अपने तप करने के लिए लकड़ी लेके आओ। क्या लेके आओ भी? लकड़ी लेके आओ। तो लकड़ी का जो बड़ा पार्ट होता है, उस पार्ट को तो हवन में डाला नहीं जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाला जाता है। तो उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने क्या किया कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में महर्षि जी थे ना, उन महर्षि जी को क्या मिले थे भी? आकर बोला कि हमें तो लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त हुआ है जिसे अपन और अधिक नहीं तोड़ सकते। उन्होंने शिष्यों ने बोला कि हमें लकड़ी का अंत में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त हुआ, उसे अपन और अधिक नहीं तोड़ सकते। तो उस महर्षि ने उस शब्द को और नहीं तोड़ सकते, उसका नाम क्या रख दिया? उसने परमाणु रख दिया। क्या नाम रख दिया मित्रों? परमाणु। अर्थात नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकने वाले शब्द को अपन अविभाजित कण कहते हैं। और अविभाजित कण को अपन ने क्या नाम दिया भी? एटम नाम दिया। क्या नाम दिया भी? परमाणु नाम दिया। जो लकड़ी था, उस लकड़ी शब्द को अपन पदार्थ के रूप में काउंट कर सकते हैं। किसके रूप में काउंट कर सकते भी? पदार्थ के रूप में बात करते हैं। किसके रूप में काउंट कर सकते हैं? पदार्थ। अभी मैं पदार्थ की डिस्कस करूंगा, पदार्थ के बारे में बात करूंगा। तो महर्षि कणाद ने इतना ही बताया था कि महर्षि कणाद था, उसने 500 ईसा पूर्व वैदिक काल में, वैदिक काल में जब किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जब किसी पदार्थ, पदार्थ के रूप में क्या ली थी उसने? लकड़ी ली थी। जब किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो अंत में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ मित्रों? अंत में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त हुआ जिसे अपन और अधिक नहीं तोड़ सकते, और उस और अधिक नहीं तोड़ सकते उस कण को अपन अविभाजित कण कहते हैं। और अविभाजित कण अपने सामने क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? परमाणु कहलाता है। अब देखिए, परमाणु के बाद अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, पदार्थ पे डिस्कस करते हैं, मतलब क्या होता है। अब देखिए, पदार्थ, अपन एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, पदार्थ। पदार्थ क्या चीज होती है? एक सिंपल सी बात होती है पदार्थ, कि जो वस्तु स्थान घेरती है, जो वस्तु क्या घेरती है? स्थान घेरती है। और जिसका क्या होता है भी? जिसका भार होता है। जिसका क्या होता है भी? भार होता है। कुछ ना कुछ, यहां मैंने लिखा है कुछ ना कुछ, इन शब्दों को कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ क्या होता है? उनका भार होता है। देखिए, जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पदार्थ। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपकी बात करता हूँ, घर में आप यहाँ ऐसे कॉपी लेकर बैठे हो, कॉपी को रखा आपने, कॉपी जितनी दूर पे टेबल के ऊपर रखी हुई है, वो टेबल पे रखी हुई कॉपी क्या घेरती है? स्थान घेरती है। उतनी दूर पर कॉपी ने क्या घेर रखा है? स्थान घेर रखा है। ऐसी कोई बात नहीं, कॉपी का भार नहीं होता है, कॉपी का वजन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका भार होता है। तो कॉपी भी क्या कहलाती है? वहाँ पर पदार्थ कहलाती है। कॉपी भी क्या कहलाती है? पदार्थ। जैसे ये मैंने पेन ले रखा है, इस पेन को मैंने मेरी हथेली पे रखा,
तो पेन ने अतेली पे इतनी जगह को क्या कर रखा है, घेर रखा है। बाकी साइड वाली जगह पर मैं कुछ ना कुछ चीज रख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ इतनी जगह घेर रखी, इसके पास में कुछ ना कुछ जगह बची हुई है, तो जितनी दूर पर ये पेन रखा हुआ है तो पेन ने उतना अपना क्या घेर रखा है भाई, स्थान घेर रखा है। क्या घेर रखा है? अपना स्थान घेर रखा है। अब इस पेन का कुछ ना कुछ क्या होता है, बाहर होता है। इसी कारण इन पेन को, इन कॉपी को, और जो चलने वाला फैन होता है, जलने वाली लाइट होती है, अपना जो कपड़ा होता है, जो वस्तु स्थान घेरती है उसका कुछ ना कुछ बाहर होता है, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है भी, पदार्थ कहलाती है। अब देखिए, पदार्थ की कुछ एक अवस्था होती है, वैसे तो प्लाज्मा भी अवस्था ही होती है, पदार्थ की अवस्था होती है जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपन बात करते हैं भी पदार्थ की, मुख्यतः मैं तीन अवस्था मानता हूँ, चौथी अवस्था भी प्लाज्मा होती है, लेकिन मैं तीन मानता हूँ पदार्थ की। पहली अवस्था जिसे अपन बोलते हैं ठोस अवस्था। देखिए बच्चों, दो शब्द होते हैं, एक अवस्था शब्द होता है, यहाँ लिखता हूँ, एक होता है अवस्था, इनमें डिफरेंट होता है भाई, अवस्था और एक अपने पास दूसरा शब्द होता है प्रावस्था। इन दोनों शब्दों को गौर से देखना, इन दोनों शब्दों में डिफरेंट मतलब दोनों शब्दों में अंतर होता है। जो आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इन दोनों शब्दों में अंतर सीखो, कि अंतर होता है, बहुत सारा अंतर होता है, लेकिन आप इतना समझिए, पहले अपन ठोस, दूसरा अपने पास है, एक अपन बात करते हैं द्रव्य। एक द्रव्य ये होता है, एक द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, और एक द्रव्य का मतलब क्या होता है, अवस्था। तो मैंने क्या लिखा कि द्रव्य लिखा भी, लिक्विड लिखा, क्या लिखा भी, क्या लिखा, लिक्विड, लिक्विड अवस्था, क्या लिखा भी, लिक्विड अवस्था। एक लिखा मैंने गैस अवस्था, क्या लिखा भी, गैस अवस्था। अब देखिए ठोस, द्रव्य, गैस, ठोस को इंग्लिश में लिखते हैं एस, गैस को इंग्लिश में लिखते हैं जी, सॉरी गैस को इंग्लिश में क्या लिखते हैं भाई, जी लिखते हैं, द्रव्य को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं ना, तो इसलिए एल, गैस को क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे गैस के लिए। एक अपने पास कोई अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें एक आती है जलीय अवस्था, ये कोई अवस्था नहीं होते वैसे मूल रूप से, लेकिन अभिक्रिया में जलीय अवस्था आती है, उसके लिए अपन एक्यू शब्द लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, एक्यू शब्द। कैसे, जैसे किसी अभिक्रिया में मैंने पढ़ा कि H2O प्लस मैंने लिखा Na, आपको देखना है मैंने क्या, Na ठोस होता है तो मैंने क्या लिखा, ठोस लिखा, आपको पता नहीं चलता है कि Na ठोस होता है या द्रव होता है, इसलिए मैं कुछ एक चीज लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा Fe, आयरन क्या होता है, लो, लो हमेशा क्या होता है भी, ठोस होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, सॉलिड। और आपको पता है इसके साथ मैं यदि H2O लेता हूँ, H2O मतलब पानी, पानी क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड को अपन क्या लिखते हैं, एक्वस, लिक्विड को अपन L भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L, सॉरी पानी क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, सॉरी पानी अपने पास क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड अवस्था मतलब इसको क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। यदि इससे कोई बना, उसका मैंने फॉर्मूला लिखा Fe2O3 लिखा, तो जो ये स्टेट होती है, ये स्टेट मैंने माना कि ये एक्वस स्टेट है, ये कौन सी स्टेट अपने पास, एक्वस मतलब जलीय प्रावस्था है, अपने पास कौन सी प्रावस्था है भी, जलीय प्रावस्था। इतनी दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना बोलूं वहां तक आपको सुनना है। मैंने इतना बोला है कि पदार्थ मतलब जो वस्तु क्या घेरती है, स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ बाहर होता है। अरे घर में बहुत सारी चीजें होती है, टेबल पर एक चौक रख के देख लो, घर में एक पेंसिल रख के देख लो, उसका कुछ ना कुछ बाहर होता है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या होती है, पदार्थ होती है। लेकिन पदार्थ की तीन भाग बांधती, तीन अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, और अपने पास कौन सी होती है भी, गैस अवस्था। ये क्या चीज होती है, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था, क्या चीज़। एक मैंने जलीय अवस्था का नाम लिया, ऐसे प्लाज्मा अवस्था भी होती है, लेकिन मूल रूप से मैंने कितनी बताई है, तीन शब्द बताए मैंने, कितने बताए भाई, ठोस, द्रव्य और क्या बताया मैंने, गैस बताया। क्या चीज़ बताया भाई, ठोस, द्रव्य और क्या बताया, गैस। अब एक एक पार्ट पर अपन डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया, पहला पॉइंट लेके लिखा मैंने, जैसे लिखा ठोस,
क्या लिखा मैंने, ठोस अवस्था। अब कुछ लोग मानेंगे कि सर ने बीच में एक शब्द लिखा था, कि मैंने बीच में दो शब्द लिखे थे, एक तो लिखा था अवस्था, एक लिखा था प्रावस्था। इन शब्दों में डिफरेंट मतलब अंतर क्या होता है? देखिए, अवस्था को कहते हैं स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब ठोस अवस्था। और प्रावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? भी फेज। प्रावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेज। इसीलिए ये शब्द जहां आता है वहां फेज रूल फॉलो होता है। फेज रूल फॉलोइंग मतलब फेज रूल क्या होता है? भी फॉलो होता है। अपन फेज रूल लगाते हैं, तो इन पर आप कोई शब्द को आप भूल जाओ कि सर ने लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लेकिन आपको इतना ध्यान देना दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। क्या रखोगे याद? प्रावस्था और अवस्था में क्या होता है? अंतर। बाकी मैंने जो कुछ भी बोला उसको भूल जाओ, कि वैसे नहीं वो सब मत भूल जाना कि मैंने परमाणु क्या बताया, मैरिसी कणाद क्या बताया था, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ होता क्या चीज़ है। अवस्था और प्रावस्था शब्द ध्यान देना है। बाकी इंग्लिश में स्टेट कहते हैं इसको, और एक शब्द इसको बोला था फेज कहते हैं। अब देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का मतलब ये होता है कि आपा कोई चीज आपने कन ये देखो, इसके पास पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। स्पेन से आज पूरी केमिस्ट्री सीखेंगे, जितना पढ़ाएंगे स्पेन के पास पार्टिकल बिल्कुल क्या है? पास पास। और बिल्कुल पास पास अवयव के कण होने का मतलब उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा। जैसे ये लिया, ये अवयव का कण, इसके पास ये दूसरा क्या ले लिया मैंने? अवयव का कण। ये मैंने इसके पास दूसरा क्या ले लिया? अवयव का कण। ये देखो इसके बीच में थोड़ा सा गैप दिख गया, लेकिन अपन दोबारा बनाते हैं। ये मैंने एक अवयव का कण लिया, इसके पास फिर से एक मैंने क्या लिया भाई? अवयव का कण लिया। इनके बीच में बिल्कुल दोनों तीनों अवयव के कण क्या होते हैं? बिल्कुल सारे के सारे अवयव के कण क्या ले लिए मैंने? बिल्कुल पास में ले लिए। फिर हो सकता है ये इसके पास अवयव के कण है, फिर ये इसके पास एक क्या हो गया? अवयव के कण। डायग्राम से ही नहीं बन रहा है, ये इसके पास क्या हो गया? अवयव के कण। यानी इनके बीच में बहुत ही कम मात्रा में गैप होता है। डायग्राम नहीं बना है सही तरीके से, लेकिन मैंने एक शब्द बोला है कि ठोस का मतलब होता है कि वे अवयव के कण जिनके बीच में दूरी बहुत ही कम होती है। तो दूरी बहुत ही कम होती है तो उनके बीच में आकर्षण बल कैसा होता है? प्रबल होता है। कि ये लिख सकता हूं, वे अवयव के कण जिनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, उसे ठोस कहते हैं। उसे अपन क्या शब्द नाम लिया मैंने? ठोस अवस्था कहते हैं। उसे अपन ठोस कहते हैं। ठोस अवस्था की बात करें, उसे अपन क्या कह देंगे भी? ठोस कहते हैं। अब सुनिए, ठोस अवस्था की यही बात होती है कि उसके अंदर अवयव के कण होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। यदि ठोस है तो उसकी पहली बात तो ये होती है, उसका आकार एवं आयतन निश्चिंत होता है। आयतन बिल्कुल निश्चिंत होता है, देखिए आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चिंत। ना तो उसका आकार बदलता है, ना ही उसका क्या बदलेगा? आयतन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास कुर्सी रखी हुई है, घर में बहुत सारी कुर्सियां होती है, किसी के घर में एक होती है, किसी के घर में चार होती है, किसी के घर में 10 से भी ज्यादा होती है, हो सकती है। तो उन कुर्सियों के ऊपर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि घर के अंदर कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी के अवयव के कण बिल्कुल पास होते हैं, तो कुर्सी क्या होती है? ठोस हो गया।
और कुर्सी ठोस है, कुछ ना कुछ स्थान गिरती है, कुर्सी का कुछ ना कुछ भार होता है, इसका मतलब कुर्सी क्या हो गया भाई, एक पदार्थ हो गया। पदार्थ में भी क्या है, ठोस है। तो उसको अपन ने घर के अंदर कहीं रखा, रखने के बाद उसको देखते हैं तो कुर्सी यदि 5 किलो की है या कुर्सी 2 किलो की या कुर्सी 100 ग्राम की है, क्योंकि बच्चों के साइज में छोटे वाले बच्चों की बहुत छोटी कुर्सी आती है, बड़े वालों की बड़ी आती है, कुर्सी प्लास्टिक की भी होती है, कुर्सी क्या होती है लकड़ी की भी होती है, वो कुर्सी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस कुर्सी का जितना आकार था या कुर्सी का जो आकार था वह आकार अगले दिन बदल जाता है क्या? नहीं बदलता ना, ना ही उसका वजन बदलता। जो आकार है वो आकार रहेगा, जो वजन है वो वजन रहेगा। तो मतलब क्या हुआ, आकार व आयतन उसका क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। आकार व आयतन क्या हो गया, निश्चिंत। एक और ले लिया, अपन रोजाना जखे गिलास के वहीं चाह पिया, देखो डिस्पोजल ले लो, डिस्पोजल ले लो, स्टील वाला ले लेते हैं अपन, बात करते हैं। जिस गिलास के अंदर हम रोजाना चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दूध पीते हैं, उस गिलास को देखते हैं तो सुबह रखे छोड़ा उस गिलास को, अगले दिन सुबह देखा तो वो गिलास इतना सा था तो इस पैन जितना थोड़ी हो जाता है। उसके अंदर इतनी चाय या कॉफ़ी आती है तो उसके अंदर 1 लीटर चाय या कॉफ़ी थोड़ी आती है। तो आकार भी निश्चिंत है, तो उसमें आकार के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या आएगा, अपना आयतन डलेगा, यानी वो उसके अंदर क्या होता है, निश्चिंत। बोतल को देख लो, बोतल यदि 1 लीटर की है तो उसमें पानी 1 लीटर का ही आएगा, उसका आकार सही रहेगा, हमेशा 1 लीटर ही आएगा। न कि अच्छा ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं आज बोतल लेके आऊँ, उस बोतल के अंदर आज तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आ गया, कल उसी बोतल के अंदर मैं 2 लीटर पानी ला सकता हूं, 2 लीटर आएगा ही नहीं उसके अंदर, 2 लीटर लाने के लिए मुझे कोई दूसरी बोतल चाहिएगी। अब मैंने क्या किया, ठोस में आकार और आयतन क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। इसके अंदर ठोस में एक अगला पॉइंट अपन कह सकते हैं, ठोस में प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल क्या होता है, आकर्षण बल, यह भी लिखा था मैंने, प्रबल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तीसरा पॉइंट कि प्रबल आकर्षण बल होते हैं तो अवयव के कण, अवयव के कणों के बीच, कणों के बीच, अवयव के कणों के बीच दूरी अत्यधिक कम होती है, दूरी अत्यधिक कम होती है। दूरी क्या होती है, अत्यधिक कम होती है। कोई शब्द नहीं दिखे तो मैं बोलता हूं वो सुन लेना, दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये पॉइंट सुनना, वे अवयव के कण जिनके मध्य प्रबल अंतरणिक आकर्षण बल होता है उसे ठोस कहते हैं, और ठोस का आकार व आयतन निश्चिंत होता है, और ठोस की आकार और आयतन निश्चिंत होता है तो इसके बाद अवयव के कणों के बीच में दूरी भी बहुत ही कम, गैप भी बहुत क्या होता है, कम। जैसे आप चेयर को देख के ये ठोस पूरा समझ सकते हो, और इसमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण मतलब क्या होता है, फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों के अंदर किसका गुण नहीं पाया जाता भाई, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। कौन सा गुण भाई, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखता हूं मैं, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण मतलब फैलने का, विसरण मतलब क्या होता है भी, फैलने का नहीं गुण पाया जाता है, फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। ये इतने पॉइंट यदि आप ठोस में यदि याद रखोगे तो ठोस आपके बिल्कुल समझ में आएगा। विसरण मतलब बहने का गुण, बहलने का गुण ज़्यादातर लिक्विड में होता है, तरल में। जी हाँ, घर के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल की बात करा, आपने घर में लोटा हूँ पानी डूब जाए तो पानी बहुत दूर चला है, धीरे धीरे चाल बोकर काफी दूर। आपने घर में कुर्सी गुड़गी तो बा एक जगह पड़गी, बीस जगह दूसरी जगह कुर्सी थोड़ी रुड़ जाए, कौन रुड़ है, क्योंकि लिक्विड चलता है हमेशा, हमेशा क्या चलते हैं भी, लिक्विड। गले में डले तो भी लिक्विड चलता है, कोई सॉलिड तो चलता नहीं, जैसे चेयर है मोबाइल है गले में थोड़ी चल जाए। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब उसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण क्या नहीं पाया जाता भी, नहीं पाया जाता। देखिए आज तक अपन ने सॉलिड के ऊपर डिस्कस किया,
इसके ऊपर डिस्कस किया अभी सॉलिड पर। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, सॉलिड के बाद जो बच गया, क्या बच गया, जो द्रव्य अवस्था बच गई, जो अपनी गैसीय लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट के ऊपर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आसान से आपको केमिस्ट्री का जो पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।